देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है, बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने, आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं, हिम्मत के साथ चले। और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। Wish you all the best. Thank you. Thank you. देखिए, पहली बात है कि लक्ष्य बहुत बड़ा रखना है, फिर छोटे 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 हिस्सों में इसको बांटना चाहिए और जो पाया है उसको जोड़ते जाना चाहिए, जो मिस किया है उसको भूलते जाना चाहिए। हैं, वरना उसी को तो है यार, उस दिन तो जाना था नहीं हुआ, उस दिन तो जाना था नहीं हुआ, तो फिर निराशा आ जाती, निराशा घुसने ही नहीं देनी पड़ती। Sir, one question. Sir, if I want, my aim is to become a president of India. So, wow. What steps I should follow? Why president? Why not prime minister? Sir, prime minister. You saying question for me? Yeah. Sir, I have a question. So many students are interested in space, but don't get opportunities to come there. What can you do for introducing more opportunities and chances for them? Well, I'll find out. This time I have started. Sir, if a person scores 40 and another scores 100 on 100, surely the one who gets 100 would be better. So why is reservation in our country? Because India is so developed now, it will become a superpower.
Oh, sorry.